लॉकडाऊनच्या तब्बल 72 दिवसांच्या कालावधीनंतर सोमवारी नांदेड रेल्वे स्थानकातून सचखंड एक्सप्रेस रवाना झाली. कोरोनाच्या संकटामुळे देशातील रेल्वे सेवा बंद करण्यात आली होती. केवळ श्रमिकांसाठी काही रेल्वे गाड्या सोडण्यात आल्या होत्या. जनजीवन पूर्वपदावर आणण्यासाठी केंद्र शासनाकडून लॉकडाऊनच्या चौथ्या टप्प्यात देशात 200 रेल्वे सुरू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यामध्ये नांदेडमधून सचखंड एक्सप्रेसचा समावेश करण्यात आला. सोमवारी सकाळी सचखंड एक्सप्रेस रेल्वे वेळेनुसार सोडण्यात आली. पहिल्या दिवशी जिल्ह्यातून 425 तर विभागातून 900 प्रवाशांनी प्रवास केला. आमदार मोहन हंबर्डे यांच्या हस्ते रेल्वेला हिरवी झेंडी दाखवण्यात आली. आज नांदेड में 64 दिन के बाद जो रोजाना सचखंड ट्रेन जाती थी और 64 दिन बाद आज ट्रेन नांदेड़ में से अमृतसर जा रही है. उसके अंदर सब सोशल डिस्टेंस में जो यात्री है उनको सोशल डिस्टेंस में यात्री बिठाने वाला है. 426 पैसेंजर तो नांदेड़ से करें. इसके बाद नांदेड़ डिवीजन में इसका पूर्णा में स्टॉपेज है परभनी जालना औरंगाबाद के और वहाँ से भी अराउंड 500 से ज़्यादा यात्री जो है इसमें अभी बोर्ड करेंगे. और इसमें हमने ख्याल रखा है कि बात सबका थर्मल स्क्रीनिंग किया जाए, सोशल डिस्टेंस मेंटेन किया जाए और जो भी MHA का गाइडलाइंस है उस सबको ऑब्जर्व करते हुए हमारा जो जितना इसमें स्टाफ चल रहा है उन सबको भी हमने मास्क फेस शील्ड और हर तरह का वो रेलवे प्रशासन ने बहुत चंगी तरह उन्हों का यात्रियों का प्रबंध किया है. तो उन्होंने पूरे ट्रेन में सैनिटाइजर अंदर भी उन्होंने स्टाफ न सारा मास्क वगैरह सब प्रोवाइड करके दिता हुआ है. तो संगत का असी गुरद्वारा बोर्ड वालों इतों वध तो वध असी ख्याल रखन लगे है. उन्हों का प्रबंध कर लगे है. जी आयान अपना मेडिकल चेकअप करवा के आओ, अपना ख्याल रखो,